राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष किसको नहीं पहनना चाहिए और किसको पहनना चाहिए। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, हिंदू धर्म में अध्यात्म का बेहद महत्व है, जिसमें कई लोग अलग अलग तरीके से ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, जबकि अध्यात्म की दुनिया महज ईश्वर की उपासना तक ही सीमित ना होकर कई वैज्ञानिक महत्वों से भी जुड़ी होती है, जैसे माथे पर चंदन का उपयोग मस्तिष्क ठंडा रखने के लिए किया जाता है, तो मंदिर में जलने वाले दिए से आसपास के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसी कड़ी में एक नाम रुद्राक्ष का भी शामिल है। आमतौर पर मन शांत रखने के लिए रुद्राक्ष कई लोग धारण करते हैं, लेकिन क्या आप इसे धारण करने का सही तरीके से वाकिफ हैं? दोस्तों, पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश होने के कारण काफी शुद्ध होता है। वहीं विज्ञान मन की शांति और गुस्से पर काबू पाने के लिए रुद्राक्ष धारण करने की सलाह देता है, मगर रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ इसे पवित्र रखना भी बेहद जरूरी होता है। जबकि जीवन में कुछ कामों में रुद्राक्ष धारण करने से यह अपवित्र हो जाता है और इसके परिणाम भी उल्टे होने लगते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किसे यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और इसे कब नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, धूम्रपान और मांसाहार के समय ना पहने रुद्राक्ष। अगर आप धूम्रपान, खान पान, शराब पीने और मांसाहारी चीजों का सेवन करते समय भूल कर भी रुद्राक्ष ना पहने, वरना ये अपवित्र हो जाता है और इसके परिणाम आपको फायदे की बजाय बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, सोने के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है, जिसका असर रुद्राक्ष की शुद्धता पर भी पड़ता है। इसीलिए सोने से पहले रुद्राक्ष उतारना बेहद जरूरी होता है। वहीं सोते समय रुद्राक्ष को तकिए के नीचे रखने से मन शांत रहता है और बुरे सपने भी नहीं आते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर शव यात्रा में आप जा रहे हैं तो रुद्राक्ष पहनकर शमशान घाट तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। इससे आपका रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होगा और इसका बुरा परिणाम आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वहीं पर बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों तक माँ और बच्चा अशुद्ध रहते हैं, ऐसे में रुद्राक्ष पहनकर उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखें कि जिस कमरे में जच्चा और बच्चा है वहां रुद्राक्ष उतार कर ही प्रवेश करें। बच्चे के नामकरण के बाद आप बेफिक्र होकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।